डॉक्टर आयशा हुसैन कराची से। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या चल रहा है जिंदगी में? बहुत कुछ चल रहा है जिंदगी में। MBBS कर लिया आपने? जी। क्यों किया है MBBS? MBBS क्यों किया, मेरे अम्मी अब्बू का बहुत शौक था कि डॉक्टर बन जाओ, तो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं डॉक्टर बन गई। तो डॉक्टर आप इसलिए बनी है क्योंकि माँ बाप चाहते थे, आप खुद क्या चाहती थी बनना? डेयरिंग काम करने का बहुत शौक है। डेयरिंग कोई जॉब तो नहीं होती ना? नहीं, मतलब वैसे बाइक राइडर लाइक। अपने किसी दोस्त के पीछे बैठती हैं, खुद चलाती? नहीं, मैं खुद चलाती हूँ। अच्छा, बाइक चलाती हैं। कौन सी बाइक आपकी फेवरेट है? मेरी कावासाकी 1300। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? मैं लोगों को ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं भी वकार की तरह बहुत डेयरिंग हूँ। मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ आपसे, जो आप चैरिटी के लिए काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है ये। तो आपने कभी चैरिटी के लिए कुछ किया है? मरीजों का मुफ्त इलाज करती हैं? जितना मुझसे हो सकता है किसी के घर पे जाके उसकी हेल्प करना, मैं अपनी तरफ से करती हूँ। क्या कर सकती हैं आप? नीचे काफी शोर मच रहा था कि वकार कुछ ऊपर ऐसा डेर दे रहा है कि कोई नहीं कर सकता उसको, वो मैं कर सकती। अच्छा, कैसे पता चला आपको? किसी ने बताया क्या करवा रहा हूँ? नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन मतलब कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, बस मैं ये कर लूँ। बस डेर तो डेर होता है ना। अच्छा, आपको ये बात पता है कि एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी होने के लिए जरूरी है कि आप इंटरटेनिंग भी हो। वो डेर बाद में देखते हैं, वो डेर का कोई इतना चक्कर नहीं है, वो नहीं कर पा रहे, वो लड़कों के लिए चैलेंज है। आप कहाँ से करेंगी? क्यों, ऐसा कौन सा मतलब काम है जो लड़के का? अच्छा, तो आप वो लड़की है, शाना बशान चलेंगे हम सारी जिंदगी मर्दों के साथ रहेंगे, जो मर्द कर सकता है मैं भी करूंगी। वो करूंगी क्यों, मैं जब मैं बाइक चला सकती हूँ, हैवी बाइक चला सकती हूँ, तो आपको अंदाजा है क्या चैलेंज दे रहा हूँ मैं यहाँ? जो भी है, क्या चीज है? स्नेक। कभी सांपों को पकड़ा है? देखा है पर पकड़ा नहीं। कराची से ताल्लुक है? कहाँ से ताल्लुक है आपका? नहीं, मेरा सवात से ताल्लुक है। सवात से ताल्लुक है, जब ही मैं कहूँ एक्सप्रेशन क्यों नहीं चेंज हुए, निकाले क्या करना होगा इसे? किस करनी होगी और क्या करना होगा? बच्चों वाले चैलेंज का दौर गुजर गया, फिर क्या करना है? नाक में डालना है, मुंह से निकालना। तुम्हें आवाज आई है मेरी? क्या कहा है मैंने? नाक में डालना है और मुंह से निकालना है। या तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस लड़की हो। ये बात सुन के काफी सारे लोगों की हवाएं गुम हो गई। तुम कह रही अच्छा ठीक है, ये यहाँ से अगर दिमाग तक चला गया ना तो दिमाग हमेशा के लिए घूम जाएगा। हाँ जी, कैमरे में कहें, आप अपनी मर्जी से कर रही हैं, जल्दी से बोलें, इसमें कोई भी मसला होगा कौन जिम्मेदार होगा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर आयशा हुसैन है और वकार ने जो ये चैलेंज मुझे दिया है सांप को नाक से डाल के मुंह से निकालना, ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो गई कौन जिम्मेदार है? मैं खुद जिम्मेदार हूँ। चले भी देखें कितनी ज्यादा लड़कियां जो हैं मर्दों के शाना बशान चल सकती हैं। इनफैक्ट मर्द तो अभी तक कोई कर ही नहीं सका। ये गो सारे चैलेंजेस HTV की मेडिकल सुपरविजन टीम के सामने करवाए जाते हैं, इसलिए कभी भी इस खतरनाक स्टंट को किसी भी जगह करने की कोशिश ना करें। अब वक्त आ गया है कि आपकी दिलों की धड़कनों का इम्तिहान लिया जाए। कमजोर दिल हजरात इस चैलेंज को ना देखें। हार माननी है तो हार मान लो। शाबाश, कम ऑन आयशा, बहुत जबरदस्त कर रही है। आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। हाँ पकड़ लो, कम ऑन आराम से आयशा, कम ऑन आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम से। पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना, मुंह पकड़ लो, अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर चला गया मसला हो जाएगा। कमोन, कोई बात नहीं, आराम से, बिल्कुल, बस हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। हो गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं सोचो, कुछ भी नहीं है,